नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। लंका पिकेट के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब ऑटो में बैठी एक महिला का चेन खींचकर भाग रही 2 महिलाओं को पुलिस ने दबोच लिया। बुधवार सुबह यातायात प्रभारी प्रवीण यादव लंका पिकेट के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान वहां गोरा बाजार चौकी प्रभारी अनुराग गोस्वामी भी मौजूद थे। इस बीच वहां एक ऑटो में बैठी एक महिला का चेन खींचकर 2 महिलाएं भागने लगी। महिला द्वारा शोर मचाने पर पुलिस कर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने बुधवार को पुलिस कर्मियों के साथ नगर के रौजा विश्वेश्वरगंज और लंका पिकेट के पास चेकिंग की। इस दौरान कई वाहनों का चालान किया गया। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। यातायात प्रभारी ने बताया कि चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और 3 सवारी पर कुल 110 वाहनों का चालान किया गया है। इसके साथ ही मास्क न लगाने पर 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में 15,500 का जुर्माना जमा कराया गया। बलिया जिले के फेफना में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर निर्मम हत्या से मर्माहत गाजीपुर के पत्रकारों ने इस घटना पर रोष व्यक्त किया है। गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों को पत्रक जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य के प्रतिनिधि नायब तहसील सदर आशीष कुमार को सौंपा। पत्रक में बलिया के मृतक पत्रकार रतन सिंह के परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के साथ मृतक पत्रकार के बच्चों की शिक्षा व परवरिश के लिए उनकी विधवा पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान करने सहित अन्य मांग किया। पत्रक सौंपने के दौरान पत्रकार गुलाब राय, अनिल उपाध्याय, आरसी खरवार, पवन श्रीवास्तव, विनोद पांडे, चंद्र कुमार तिवारी, अजय राय बबलू, अभिषेक सिंह, पंकज पांडे, अनिल कुमार, देवव्रत विश्वकर्मा, रतन उर्फ विक्की, भोलू, आलोक त्रिपाठी, रविकांत पांडे, आशुतोष, सुशील, विवेक चौरसिया आदि उपस्थित रहे। बिजली विभाग ने बुधवार को व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। नगर एसडीओ शिवम राय ने बताया कि भोर में 4 से 8 बजे तक सराय गली, टाउन हॉल, चांपिया बाग, मच्छर हट्टा, नियाजी मोहल्ला, महाजन टोली, न्यू सब्जी मंडी, काजी टोला, सैयदवाड़ा, सट्टी मस्जिद आदि मोहल्लों में विद्युत विभाग और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से बिजली उपभोग कर रहे 40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। छापेमारी टीम में SDO के साथ अवर अभियंता अविनाश सिंह, रोहित सिंह, विजिलेंस थाना प्रभारी AK सिंह, विजिलेंस JE पंकज चौहान के अलावा अन्य विजिलेंस और विद्युत विभाग के लोग शामिल रहे। COVID-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जनपद में डोर टू डोर जांच अभियान चलाकर सर्वे कराने के संबंध में बुधवार को जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने अगले 5 दिनों में प्रत्येक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जाकर प्रत्येक घर के लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और वो कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित हैं एवं गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने को कहा है। उन्हें चेताया कि इस काम में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।